हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है गाइस मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि गूगल एडसेंस का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ अब तक का, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास कई सारे सवाल आए हैं एडसेंस से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को उन सभी सवालों के जो है जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो यहां पर अगर आपका कोई सवाल है एडसेंस से रिलेटेड कि हमें अप्रूवल कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो इन सभी सवालों के जो है जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस की। बहुत लोगों का ये सवाल जनरली मेरे पास आया है और होता भी है जनरली यही माइंड में कि जब भी हम नया स्टार्टिंग करते हैं तो हमें ये लगता है कि यार एडसेंस का अप्रूवल लेना शायद बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो गाइज, यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस हमें यहाँ पे करना क्या होता है कि जो भी गाइडलाइन दी गई है गूगल के द्वारा, उनको हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। चाहे वो हमारे ब्लॉगिंग कंटेंट के बारे में बताए, वहां पे गाइडलाइन दी गई हैं, उनको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। हम जो स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ब्लॉगिंग के अंदर, उनके ऊपर हमें फोकस करना है, या फिर हमारा जो ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफिक है वो, उसके लिए जो गाइडलाइन दी गई है उनको भी फॉलो करना है। जनरली हम क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है नए क्या करते हैं कि आज जो है पहला ही दिन है और पहले दिन जो है वो दो चार ब्लॉग जो है सीधा उठा के डाल देते हैं, दूसरे दिन फिर दो चार ब्लॉग उठा के डाल देते हैं, तीसरे दिन फिर उठा के डालते हैं। ऐसे जब उनके 10-12 जो है 3 से 4 दिन के अंदर वो 10-12 ब्लॉग बना डालते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अब जो है हमारी वेबसाइट जो है, हमारा जो ब्लॉग है वो रेडी है एडसेंस के लिए, और सीधा वो अप्लाई कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो ब्लॉग जो उन्होंने डाले हैं ना तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क किया गया है, क्योंकि एक एक ब्लॉग को लिखने के लिए बहुत समय की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च करके हमें हमारे प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, तो ये सब पहले डिफाइन करने पड़ते हैं, फाइंड आउट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो ब्लॉग लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, तो वहां पर हमने उन कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से स्टफिंग करना है। हमारा जो ब्लॉगिंग का जो कंटेंट है वो कम से कम 2000 वर्ड्स का जो है मिनिमम होना चाहिए, और ऐसे में हमारे पास जो लिखने का जो तरीका है, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा, वो एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक होना चाहिए। लेकिन हम सब चीजों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और जैसा हमें मिला वैसा हमने डाल दिया और हमने सोचा कि ब्लॉग बन गया और जो है हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। बस यही रीजन है, क्योंकि वहां पे जब गूगल की टीम आपके उस ब्लॉग को एनालाइज करती है, देखती है, तो वहां पर जो है चाहे वो बॉट्स के द्वारा करा जाता हो या मैनुअली करा जाता हो रिव्यू, तो दोनों ही कंडीशंस में आपका जो ब्लॉग है वो प्रोफेशनलिज्म जो है, जो गाइडलाइन है, वो कहीं ना कहीं लैप्स कर जाती हैं, हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें जो है पहली बार में अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम चीजों को समझ जाते हैं तो ऐसे में जो है यहां पर हमें प्रॉपर तरीके से अगर कंटेंट लिखा हुआ है, टाइम भी लिया है हमारे पास, वर्ड हमने प्रॉपर इस्तेमाल करे हैं, जो गाइडलाइन लिखी गई हैं वो भी प्रॉपर तरीके से हमने दी गई हैं, और उसके बाद जो है हमने वहां पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा लेकर आए हैं, तो तब जाकर जो है हम अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट शॉट के अंदर ही जो है गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये है आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस वाली बात है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि गूगल एडसेंस जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही अप्रूवल देता है, बाकियों को नहीं देता है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे अप्रूवल लिए हैं और बहुत आसानी से अप्रूवल मिल जाते हैं, बिलीव मी गाइज। मैंने पहले भी एक पोस्ट बनाया है और वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि मात्र 5 आर्टिकल लिख के भी मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया है, राइट? यानी कि उन 5 आर्टिकल्स में, उन पूरे 5 आर्टिकल्स को लिख के प्रॉपर तरीके से पब्लिश करने में मुझे 10 से 15 दिन का टाइम लगा, और उन 10 से 15 दिन के टाइम के अंदर मैंने वो सारी काम किए जो गाइडलाइंस के हिसाब से दिए जाते हैं। तो जब वो सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हैं और उसके बाद जब मैंने उसको अप्लाई करा, सुबह मैंने अप्लाई करा और विद इन 4 आवर्स जो है मुझे उसका अप्रूवल मिल चुका था। तो गाइज, एडसेंस का अप्रूवल कोई बड़ा टास्क नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अब तक जो रहा है
तो वो यही है कि मैंने कई सारी वेबसाइट्स के लिए एडसेंस अप्रूवल लिया और बहुत आसानी से अप्रूवल मिल गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने अप्लाई करा और मुझे अप्रूवल नहीं मिला हो, राइट। अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, अप्रूवल कहीं ना कहीं पेंडिंग रहेगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। अगर सारी चीजों को हम पहले से क्लैरिफाई करेंगे तब जाकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके लिए आपको कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे कंटेंट लिखना है, कैसा आपके थीम्स को ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीजें जो है हमारा जो ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है इसके अंदर सारी चीजें मैं बिल्कुल थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजें सारी कवर अप करने वाला हूं। तो जल्द आप उस पूरी ब्लॉगिंग सीरीज के साथ में बने रहिए ताकि आपको एडसेंस में भी आगे अप्रूवल लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आई होप कि आपको जो है गूगल एडसेंस से रिलेटेड जो आपके क्वेरीज हैं, जो बेसिकली जनरली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक शेयर नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से कर दें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं।